हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, दिस इज योर ब्रदर सत्यम तिवारी। सो गाइस, फाइनली जेएमआई बीटेक का फोर्थ राउंड का कट ऑफ लिस्ट रिलीज हो चुका है। तो इस वीडियो में बात करेंगे आपका जेएमआई फोर्थ राउंड का कट ऑफ लिस्ट क्या है, क्या कट ऑफ गया है फोर्थ राउंड में। सो गाइस, बात करते हैं जेएमआई बीटेक की। तो अगर तो जो भी स्टूडेंट का लिस्ट में नाम आया है फोर्थ राउंड में, उनका लिस्ट जो कि अभी मेंशन होगा नीचे, और कट ऑफ क्या है फोर्थ राउंड का, और इससे आगे का राउंड क्या है, और क्या करना है जिनका लिस्ट में नाम आ गया है एडमिशन के लिए, ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जैसा कि बात करें, जो भी स्टूडेंट का फोर्थ राउंड लिस्ट में नाम आ चुका है, वो सबसे पहले एडमिशन के लिए उनको करना क्या है। तो एडमिशन की बात की जाए तो एडमिशन जेएमआई में आपका टोटल ऑफलाइन होता है, तो ऑफलाइन आपको कैंपस विजिट करना है, और उसके बाद वहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर विजिट करना है। उसके बाद वहाँ आपको फी पेमेंट करके आपको एडमिशन कराना है, और अपग्रेड कराने के लिए अपग्रेड के फॉर्म आता है, वहाँ फॉर्म फिल करना है, उसके बाद अपग्रेड का प्रोसेस आपका हो जाएगा नेक्स्ट राउंड में। तो वहाँ पे दोस्तों बात करें जेएमआई की, तो जेएमआई का जो है टोटल आपका टोटल ऑफलाइन प्रोसेस होता है एडमिशन का। तो आपको डेट्स क्या है, डेट्स बात की जाए तो आपको 16 अगस्त यानी कि 16 अगस्त को आपको विजिट करना है, और दूसरा डेट जो है आपका 19 अगस्त है। जो डेट ये एंड लगा है 16 से 19 नहीं है, ये आपका केवल एक डेट, आप 16 और 19 अगस्त को आप विजिट करके अपना एडमिशन 9 से लेकर 1 बजे से तक आप को ऑफिस में जाकर फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे आप विजिट करके अपना एडमिशन का प्रोसेस देख सकते हैं। सो गाइस, बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो आपका जेईई मेन का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, जो भी 10th 12th मार्कशीट, जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें लेकर विजिट करना है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं सामने आपको दिख रहा है। तो आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं, जैसा कि डिस्कस किया जा चुका है पिछले वीडियो में। तो ये सभी चीजें आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप इसको लेकर विजिट करके, और वहाँ पे जो भी एफिडेविट है वो जेएमआई में आपको बन जाता है, तो वहाँ पे आप जैसे विजिट करेंगे वहाँ पे आप एडमिशन कराएंगे, आपको फी पेमेंट करके वहाँ एडमिशन कराना, सारा प्रोसेस आपका ऑफलाइन होता है। तो गाइज, बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका कट ऑफ लिस्ट क्या है। तो कट ऑफ लिस्ट की बात करें, सो गाइज कट ऑफ की बात करें तो आपका सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाए, सिविल इंजीनियरिंग जनरल का कट ऑफ है 1,04,120 दोस्तों, कट ऑफ इसका हाई लो हो चुका है। तो अभी तक का दोस्तों आपका लो कट ऑफ है, ये कट ऑफ आपका धीरे धीरे अब आपका लो हो रहा है। तो इसके बाद बात करें गाइज मुस्लिम का 1,10,2288, मुस्लिम ओबीसी 1,11,879। तो सो गाइज, मुस्लिम वुमेन की बात की जाए तो आपका 1,40,697 ये आपका मुस्लिम वुमेन का, और जामिया इंटरनल का 2,70,318 ये आपका सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ गाइज आपका डिस्कस किया जा चुका है। और जो भी स्टूडेंट का लिस्ट में नाम आया है उनका जो है नीचे गिवन रोल नंबर गिवन होगा, और जेएमआई का एप्लीकेशन आईडी ये आपका गिवन है। जो भी स्टूडेंट का सिविल इंजीनियरिंग में कट ऑफ क्लियर हुआ है उनका लिस्ट में नाम है। सो गाइज, बात करें नेक्स्ट कट ऑफ की जो आपकी गिवन है, तो नेक्स्ट जो भी स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पे है इनका सभी का लिस्ट में नाम है, तो सिविल इंजीनियरिंग का भी कट ऑफ आ चुका है। सो गाइज, बात करें नेक्स्ट बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, जैसा कि दोस्तों थर्ड लिस्ट में आपका कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ नहीं आया था, क्योंकि सीटें फुल हो चुकी थी, तो हो सकता है कोई विड्रा कर दिया हो, जिसमें दोस्तों इस बार आपका कट ऑफ आ चुका है, तो कोई विड्रा किया था उसमें। कंप्यूटर साइंस की बात करें फोर्थ राउंड की, तो 38,388 जनरल का कट ऑफ है, मुस्लिम का बात करें 42,310, और मुस्लिम की बात करें 61,703, और जामिया इंटरनल की बात की जाए तो 47,940। सो गाइज, ये रहा आपका कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ, जो सीएस इंजीनियरिंग की कट ऑफ है जेएमआई बीटेक का। तो जेएमआई बीटेक जो भी स्टूडेंट का लिस्ट में नाम है, अब अपग्रेड कैसे हुआ है, अपग्रेड फॉर्म बीटेक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से अपग्रेड हुआ है, सारी चीजें आपके लिस्ट में नाम यहाँ पे दिख जाएगा। सो गाइज, नेक्स्ट कट ऑफ की बात करें तो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ है, तो इसमें आप बात करें तो जनरल का 90,674 और मुस्लिम का 92,634, मुस्लिम वोमेन का 1,99,339 ये आपका मुस्लिम वोमेन कट ऑफ है। सो गाइज, ये रहा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ फोर्थ राउंड बीटेक एडमिशन जामिया मिलिया इस्लामिया का। तो दोस्तों जो कैटेगरी के यहाँ कट ऑफ आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसका कट ऑफ आया नहीं, उसका सीटें फुल है। और बात करें गाइज, जो भी स्टूडेंट का नाम होगा इस ब्रांच में एडमिशन का कट ऑफ जो भी क्लियर किया होगा उसका नाम इस लिस्ट में आपको देख सकते हैं। तो आप लोग सभी अपना नेम यहाँ पे लिस्ट में चेक कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट कट ऑफ की, तो नेक्स्ट कट ऑफ जो गाइज आपका है, नेक्स्ट कट ऑफ बीटेक
इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसका जनरल का जो है कट ऑफ है फोर्थ राउंड का ये 63,446, उसके बाद मुस्लिम का 64,043, उसके 64,443, उसके बाद मुस्लिम ओबीसी का 72,040, मुस्लिम वुमेन का 90,444। तो गाइस जो भी स्टूडेंट की लिस्ट में नाम है आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट कट ऑफ की बात की जाए तो नेक्स्ट कट ऑफ आपका है बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें दोस्तों आपको 1,01,322 ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग कट ऑफ है जनरल का, और मुस्लिम का यहाँ पे 1,05,763 और मुस्लिम ओबीसी का 1,08,683 और मुस्लिम वोमेन का 1,35,516। तो गाइज आप देख सकते हैं मुस्लिम जनरल और मुस्लिम में ये ज़्यादा कट ऑफ में वेरिएशन सब नहीं दिख रहा है, क्योंकि लास्ट का राउंड है। इससे पहले क्या है कि बहुत जनरल कैंडिडेट यहाँ पे फिल भी कम कर सकते हैं फॉर्म, तो इसीलिए दोस्तों आपको कट ऑफ यहाँ लगभग ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिख रहे हैं, और स्टार्टिंग के राउंड में आपको वेरिएशन ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन लास्ट के राउंड में जो है ये कट ऑफ ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखते हैं। हालांकि लास्ट राउंड में जो कट ऑफ बहुत ही लो चली जाती है। तो ये दोस्तों आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ डिस्कस किया जा चुका है। सो नेक्स्ट कट ऑफ की बात की जाए आपका, तो नेक्स्ट कट ऑफ गाइस से आपका बात की जाए तो जो भी स्टूडेंट का नाम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे या आप लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कट ऑफ। नेक्स्ट की बात की जाए गाइस तो आपको बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो न्यू ब्रांच है सेल्फ फाइनेंस्ड, इसका बात करें जो इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है सेल्फ फाइनेंस बस, इसका बात करें 98,840 जनरल कट ऑफ है, मुस्लिम का 1,47,093 और मुस्लिम ओबीसी का 1,99,372, उसके बाद मुस्लिम वुमेन का आप देख सकते हैं गाइस जो भी कट ऑफ है आप चेक कर सकते हैं 1,30,711, उसके बाद जामिया इंटरनल का 2,15,993 और जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट का 1,58,691, ये आपको कट ऑफ है जो कि बीटेक एक इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपका सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है। तो गाइज डिस्कस करेंगे अगर नेक्स्ट कट ऑफ की, तो नेक्स्ट कट ऑफ आपका तो आज नेक्स्ट कट ऑफ की बात करें तो जो भी सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है आपका बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि न्यू ब्रांच इंट्रोड्यूस किया गया है, उसकी भी कट ऑफ ऑफ जनरल का 1,01,777 है, उसके बाद मुस्लिम का 1,10,805 है, उसके बाद मुस्लिम ओबीसी का 1,12,122 है, उसके बाद मुस्लिम वुमेन की बात की जाए तो मुस्लिम वुमेन का आपका 1,31,193 है। यानी गाइस अगर बात करें मुस्लिम वुमेन का कट ऑफ लगभग आपको बहुत ही लो जाता है। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट की बात करें तो 1,59,559 है ये फोर्थ राउंड कट ऑफ। सो गाइस नेक्स्ट राउंड की बात करें जो भी स्टूडेंट का लिस्ट में नाम है अपना चेक कर सकते हैं, लिस्ट में आपका नाम दिख जाएगा। और सो गाइस अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन लिंक है आपको अभी टेलीग्राम पे आपको सेंड कर दे रहे हैं। ये रहा आपका दोस्तों आपका सारा कट ऑफ जो है जेएमआई बीटेक की। बात करें लास्ट कट ऑफ की तो आपका लास्ट जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का सेल्फ फाइनेंस है इसका जो है 74,981 गया है, मुस्लिम का 75,790, जामिया इंटरनल का 94,423। तो गाइस ये रहा आपका जेएमआई बीटेक का कट ऑफ। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स पर करिए। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब किए रहे ठीक, सारे कट ऑफ आपको सारे काउंसलिंग से रिलेटेड सारे एग्जाम से रिलेटेड आपको इस एक ही चैनल पे वीडियो आपको अपडेट मिल जाता है, सारी सपोर्टिव वीडियो आपको इस चैनल मिलता रहता है। चैनल सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।